केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार रही तो हालात और बदलेंगे। गरीब, लघु और सीमांत किसान व गरीबों को 1,000 रुपए पेंशन दी जाएगी। कुछ ही समय बाद पेंशन बढ़ा दी जाएगी। गृह मंत्री गुरुवार को सारंगढ़ में सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछले 4 सालों से केंद्र में भाजपा की सरकार है। इन 4 सालों में छत्तीसगढ़ को काफी सहयोग मिला और विकास हुआ। केंद्र में फिर भाजपा की सरकार बनेगी। पहले बेटियों को साइकिल मिलती थी, अब बेटों को भी मिलेगी। जो लड़कियां फर्स्ट डिवीजन आएंगी उन्हें स्कूटी दी जाएगी। इससे पहले रायपुर में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस अपना विश्वास खो चुकी है, उस पर किसी को भरोसा नहीं है। दिवालिया बैंक में पोस्ट डेटेड चेक की क्या हालत होगी, बस ऐसा ही कांग्रेस का घोषणा पत्र हो गया है। और ये कहने की जरूरत नहीं है, छत्तीसगढ़ ही नहीं, सारे देश भर में देखिए, कांग्रेस पार्टी और सारी विपक्षी राजनीतिक पार्टियां इसमें विश्वसनीयता के संकट से जूझ रही है। कांग्रेस की हालत कितनी कमजोर है, कितनी पतली है, किसी भी पोलिटिकल पार्टी के संगठन की जो एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ होती है, वो स्ट्रेंथ कांग्रेस पूरी तरह से खो चुकी है। किसी ने मुझसे कहा कि साहब, जैसे कोई दिवालिया बैंक हो, उस दिवालिया बैंक में पोस्ट डेटेड जो चेक होता है उसकी क्या अहमियत है। यही हालत इनके चुनाव घोषणा पत्र की है, ये दिवालिया बैंक के पोस्ट डेटेड चेक की तरह हो गया है। For more information, log on to www.clips.in.